मंदिर निर्माण की खुशी हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिमों में भी देखने को मिली, जहां इंदौर में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश की गई। संस्था साझा संस्कृति मंच के तत्वावधान में सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में मुस्लिम बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। पूरे देश में इंदौर शहर की एक अलग ही पहचान होती है। एक बार फिर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में साबित हो गया है कि जहां हिंदू समाज के लोगों ने तो बीते दिन भगवान राम मंदिर के निर्माण का उत्सव दिवाली की तरह मनाया, साथ ही मुस्लिम समाज ही महिलाओं ने गुरुवार को संस्कृति ताजा मंच के नेतृत्व में सांसद शंकर लालवानी को धन्यवाद पत्र भेंट किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद दिया। मुस्लिम महिलाओं ने इस दौरान मीडिया को कहा कि उन्होंने भी बुधवार रात घर पर दिए जलाए थे, श्री राम मंदिर निर्माण की खुशियों में आतिशबाजी की थी। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो राम मंदिर निर्माण मोदी जी ने किया है उसके इस्तकबाल के लिए। किस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं आप आज यहाँ? ये खुशी मनाकर, सभी अपने अपने तरीके से खुशी मनाते हैं, हम इस तरह से खुशी मना रहे हैं। सांसद महोदय को आपने कुछ पत्र भी दिया जी, धन्यवाद पत्र दिया। किस तरह का धन्यवाद है ये, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाकी राम मंदिर जो निर्माण हुआ है जी, उसमें आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बस अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो भी अपने सांसद सदस्य वगैरह जिन लोगों का भी इसमें योगदान रहा उन सभी के। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग खजराना से हैं। कल घर घर दीपक जले थे, खुशियाँ मनी थी, तो हमारे भी घर जले थे दीपक, हमने भी जलाए थे, हमने भी बम फटाके फोड़े थे सभी हम, क्योंकि अभी तक के सब हम मोदी जी के राज के साथ उनके साथ रह रहे हैं। अभी लॉकडाउन से लेके अभी तक सभी उनके बताए हुए बातों पर पालन करते आ रहे थे और वैसे ही करा हमने भी, जब सबकी खुशी में हमारी खुशी। तो आप इसका श्रेय मोदी जी को देते हैं मंदिर बनाने? नहीं, मोदी जी को अकेले को इसका श्रेय नहीं जाता है। किसको देते हैं फिर? सभी हैं जो इसके साथ, जो भी मोदी जी के साथ हैं या और जो भी धर्म के लोग इनके साथ हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। उसमें कोई हिंदू और मुसलमान नहीं, सभी हैं उसमें। क्या नाम है आपका? रुखसाना है। देखिए, आज इंदौर की मुस्लिम बहने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये धन्यवाद पत्र देने आई है, और ये इसलिए देने आई है कि जिस प्रकार 500 साल पुराना जो विवाद था वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हल हुआ, कहीं भी देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देश में कुछ चुनिंदा लोग हैं ओबीसी जैसे या पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोग जो देश में विवाद पैदा करना चाहते हैं, आज इन बहनों ने ये सिद्ध कर दिया कि हम देश की सरकार के साथ हैं, देश की न्यायपालिका के साथ हैं, देश की 130 करोड़ जनता के साथ हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से उन्होंने धन्यवाद दिया। मैं इन सभी बहनों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर के निर्माण में सर्च धन्यवाद प्रस्तुत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी को। अनलॉक शहर में धर्मस्थल को खोलने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अभी जिस प्रकार पूरा शहर अनलॉक हुआ है, मुझे लगता है थोड़े दिन लगेंगे सभी चीज़ें सामान्य होने में, और उसके बाद उस पर भी विचार किया जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्यौहार हैं, उन त्यौहारों पर भी लोगों की मांग है, वो प्रदेश स्तर पर तय होगा। और जो इंदौर में बाकी बची हुई चीज़ें लगभग अनलॉक सभी कर दी गई हैं, जो शेष बची है उस पर इंदौर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे हम विचार करेंगे। धन्यवाद।